Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum students. My name is Abdurrahman and I'm teaching you biology. Students, इस session में हम बहुत important topic start करने जा रहे हैं. This is digestion in small intestine. लेकिन आज की session में हम अभी सिर्फ इसका first portion study करेंगे. That is digestion in duodenum. Duodenum और इसके साथ associated glands कौन कौन से हैं, इन सब के structures और functions अभी हम board पे देखते हैं. Dear students, the topic is digestion in small intestine. All right, digestion in small intestine. Dear students, अभी तक जो चीजें हम go through करके आए हैं उसमें हमने digestion in oral cavity देखी है, फिर उसके बाद हमने esophagus में peristalsis का process study किया था, फिर उसके बाद हमने प्रीवियस सेशन में डाइजेशन इन स्टमक को स्टडी किया कि मेदे के अंदर किस किस तरह से सिक्रीशंस रिलीज की जाती हैं और फिर प्रोटीन फूड को डाइजेस्ट किया जाता है. यहाँ पे एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या स्टमक के अंदर किसी किस्म का फूड एब्जॉर्ब हो सकता है? तो इसका जवाब है नो. ऑलराइट, हमारे मेदे के अंदर कोई भी खुराक जजब नहीं हो रही होती, लेकिन इसके साथ ही साथ कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं दैट कैन बी एब्जॉर्ब. ओके, जस्ट लाइक वाटर, पानी जजब हो सकता है, एल्कोहल एब्जॉर्ब हो सकती है स्टमक की लाइनिंग के अंदर, और फिर मुख्तलिफ ड्रग्स जैसे कि एस्पिरिन वगैरह ये जजब हो जाती हैं मेदे की दीवार के अंदर. कोई और फूड कंपोनेंट लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स, दे आर नेवर एब्जॉर्ब अक्रॉस द वॉल ऑफ द स्टमक इन टू द ब्लड स्ट्रीम. ऑलराइट, ये बात याद रखिएगा. अब फिर इसके बाद स्टूडेंट्स क्या होता है कि स्टमक में जब डाइजेशन मुकम्मल की जा चुकी होती है और प्रोटीन्स जो है उनको पार्टली डाइजेस्ट किया जा चुका होता है तो पाइलोरिक स्फिंक्टर ओपन होता है, और पाइलोरिक स्फिंक्टर ओपन होते साथ ही फूड इट डिसेंड्स डाउन इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज ड्यूओडेनम. ऑलराइट, यहां पे मैं तीनों पार्ट्स मेंशन कर रहा हूं. द फर्स्ट वन इज ड्यूओडेनम, द सेकेंड वन इज जेजुनम, and the third one is ileum. जी students, length के एतबार से हम ये कह सकते हैं कि the small intestine is the longest part of the digestive system. Okay? ये जो हम GI, gastrointestinal tract इसको कह रहे हैं, intestine में the first part is small intestine, और फिर small intestine को further हमने divide कर दिया है into three regions. Okay? The first part is duodenum, और duodenum according to your book ये 20 से 25 सेंटीमीटर, 20-25 सेंटीमीटर इसकी लेंथ हो सकती है. ऑलराइट, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स जो जेजुनम है, इट इज अप्रोक्सीमेटली 2.4 मीटर्स. ऑलराइट, और फिर उसके बाद इलियम इज अप्रोक्सीमेटली 3.5 मीटर्स. ऑलराइट, ये बात याद रखिएगा कि इंटेस्टाइन्स में पहला हिस्सा स्मॉल इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला हिस्सा दैट इज ड्यूओडेनम. ओके, फिर उसके बाद वाला 2/5 पार्ट दैट इज जेजुनम, एंड द लास्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज इलियम, दैट इज द 3/5 लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. फिर इसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम इस सारे के सारे सिनेरियो में स्टमक का रोल चेक करें तो स्टमक ने अभी तक क्या किया है, प्रोटीन्स को पार्टली डाइजेस्ट किया है और HCl की मौजूदगी में डाइजेशन को मुकम्मल किया है. अब यहाँ पे जो काइम जो कि सेमी सॉलिड सा फ्लूइड बन के फ्लो कर रहा है फ्रॉम द पाइलोरिक स्फिंक्टर इनटू द ड्यूओडेनम, अब उसके जो एक्चुअल पीएच है दैट इज एसिडिक. अब ये एसिडिक फूड जैसे ही आके ड्यूओडेनल वॉल को टच करेगा तो यहां पे क्या चेंजेस आएंगी, इसके लिए पॉइंट नंबर वन हम मेंशन करने जा रहे हैं. अब स्टूडेंट्स याद रखिएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, व्हेन द एसिडिक chyme touches the wall of mucosa, a hormone secretin is released. Dear students, अब ये जो हार्मोन रिलीज हो रहा है, अगला फंक्शन सारे का सारा इसके रिलीज या सिक्रीट होने के ऊपर डिपेंडेंट है.
वो किस तरह से? बिल्कुल इसी तरह जैसे हमने प्रीवियस सेशन में देखा कि गैस्ट्रिन प्रोड्यूस होता है इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन फूड इनसाइड द स्टमक। अगर आपके मैदे के अंदर प्रोटीन फूड मौजूद है और पार्टली डाइजेस्टेड पॉलीपेप्टाइड चेन्स जाके बार बार स्टमक की वॉल को टच हो रही हैं, तो उसकी वजह से मजीद गैस्ट्रिन प्रोड्यूस किया जाएगा। ज्यादा गैस्ट्रिन प्रोड्यूस होगा तो उसके बदले में ज्यादा पेप्सिन, ज्यादा HCL और बाकी गैस्ट्रिक सिक्रीशंस रिलीज की जाएंगी, तो गैस्ट्रिक जूस और ज्यादा प्रोड्यूस होगा, और ज्यादा प्रोटीन्स टूटेंगे, और ज्यादा गैस्ट्रिन प्रोड्यूस होगा, और ये प्रोसेस स्टमक के अंदर चलता रहेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे जैसे ही काइम ने आके ड्यूडेनम की वॉल को टच किया, उसके उस एसिडिक मीडियम की वजह से जो ड्यूडेनम की वॉल के अंदर स्पेशलाइज्ड एंटीरिक सेल्स मौजूद हैं, वो वहीं से सिक्रीटिन को रिलीज करेंगे और सिक्रीटिन स्टिमुलेट कर देगा जाके एसोसिएटेड एक्सेसरी ग्लैंड्स को, देयर आर द लिवर एंड द पैनक्रियास, जो कि डाइजेशन इन ड्यूडेनम में बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहे हैं। इनको हम वन बाय वन अभी डिटेल से देखना स्टार्ट करते हैं। अब स्टूडेंट्स, सिक्रीटिन जैसे प्रोड्यूस होगा, यहां पे मैं एक और हार्मोन का नाम भी मेंशन कर रहा हूं, एंड दैट इज कोलसिस्टोकिनिन। अब याद रखिएगा कि ये हार्मोन और सिक्रीटिन ये मिलके पेंक्रियास को एक्टिवेट कर देते हैं। दीज हार्मोन्स स्टिमुलेट एक्सोक्राइन टिश्यू ऑफ पेंक्रियास to produce pancreatic juice. All right, students. अब यहां पे जो काबले गौर पॉइंट मैंने मेंशन किया है, there is exocrine tissue. All right. यहां पे याद रखिएगा pancreas है क्या बेसिकली? लबलबा एक टर्म हम लोग यूज करते हैं कि ये स्ट्रक्चर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा नहीं है, लेकिन उसके साथ एसेसरी ग्लैंड के तौर पे जुड़ा हुआ है और बहुत ही ज्यादा मददगार है डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन के लिहाज से। ओके, लेकिन स्टूडेंट्स जो अहम बात है वो यहाँ पे एक्सोक्राइन टिश्यू की हम बात कर रहे हैं। दिस ग्लैंड द पैनक्रियास इज एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन अकॉर्डिंग टू इट्स फंक्शन। ओके, लेकिन डाइजेशन के लिहाज से इसका एक्सोक्राइन टिश्यू स्टिमुलेट किया जाता है और इस एक्सोक्राइन टिश्यू में से जो जूस रिलीज होगा, दैट इज नोन एज पैनक्रियाटिक जूस। यानी कि अब लबलबा एक केमिकल्स का मिक्सचर खारिज करेगा और वो खारिज एक मखसूस नाली के जरिए होता हुआ आपकी छोटी आंत के अंदर आके मिक्सअप होना शुरू हो जाएगा विद द फूड। ऑलराइट, अब इस जूस के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स मौजूद हैं, इनको हम फर्दर एक्सप्लेन करते हैं वन बाय वन। जी स्टूडेंट्स, दिस इज अबाउट द पैनक्रियाटिक जूस। अब पेंक्रियास में से जैसे ही स्टिमुलस मिला पेंक्रियास को फ्रॉम द सिक्रीटिन एंड कोलसिस्टोकिनिन, इसने फौरी तौर पे अपने सेल्स को एक्टिवेट किया और जूस बनाना स्टार्ट कर दिया। इसमें स्टूडेंट्स बहुत सारी एंजाइमेटिक सिक्रीशंस मौजूद होती हैं, कुछ सॉल्ट्स मौजूद होते हैं और साथ पानी हमेशा की तरह मौजूद होगा। अब इसमें कौन कौन से एंजाइम्स रिलीज किए जा रहे हैं और वो क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, सबसे पहले नंबर पे आपको अंदाजा होना चाहिए What are the components of food? And chyme. वो partly digested खुराक जो अभी stomach से release होके आई है, इसके अंदर कौन कौन सी इकसाम की खुराक मौजूद है? तो students, आसान सी चीज है। The first one are carbohydrates. All right. Number two, these are proteins. Number three, they are fats or lipids. All right. अब ये जो तीनों components अलग-अलग से मैंने mention किए हैं, ये क्यों mention किए हैं कि pancreatic juice के अंदर इनको digest करने के लिए specific enzymes मौजूद होते हैं. All right. वो specific enzymes कौन-कौन से हैं? For the carbohydrates, the enzyme that is released is pancreatic amylase
All right? और इसका एक और नाम है, that is amylopsin. All right? यहां पे students difference भी याद रखिएगा कि हमारे पास जो saliva के अंदर amylase produce हो रहा है उसका नाम था ptyalin, जो थूक के अंदर कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम मौजूद है उसका नाम है ptyalin, और यहां पे जो पेंक्रियाज में से पेंक्रियाटिक एमिलेज पैदा हो रहा है उसका नाम है एमाइलोप्सिन. ओके, सो यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स अकॉर्डिंग टू देयर प्रोडक्शन साइट्स. ऑलराइट, फिर उसके बाद अगर इसका एक्शन देखें तो हमें पता चल जाना चाहिए कि इट वर्क्स ऑन पॉलीसेकेराइड्स एंड ब्रेक्स देम डाउन इनटू माल्टोज. ऑलराइट, तो यहां पे किरदार कौन अदा कर रहे हैं? दैट इज एमिलेज. अच्छा जी, अब स्टूडेंट्स एक और बात यहां पे आ जाती है और वो क्या है, एंजाइम का नाम याद रखने के लिए मैं आपको बताने लगा हूं. एमिलेज की ये जो टर्म हम यूज कर रहे हैं इसका एंड पे तो हमने लगा दिया एज. ऑलराइट, हर एक एंजाइम के एंड पे आपको मोस्टली ये टर्म लगी हुई नजर आती है कि एवरी एंजाइम हैज एन एज एट इट्स एंड. ओके, उससे पहले वाला जो लफ्ज है असल में वो सबस्ट्रेट का नाम होता है जिसके ऊपर वो एंजाइम एक्शन परफॉर्म करने जा रहा है. ऑलराइट, कार्बोहाइड्रेट्स में पॉलीसेकेराइड्स की दो टाइप्स होती हैं, एमाइलोसेस एंड एमाइलोपेक्टेंस. ओके, ये दो पॉलीसेकेराइड की टाइप्स, इनको तोड़ने के लिए जो एंजाइम्स यूज होंगे दे आर एमिलेसेस. बेशक वो सलाइवरी एमिलेज की बात हो या पेंक्रियाटिक एमिलेज की बात हो, दीज एंजाइम्स दे विल ब्रेक डाउन द कार्बोहाइड्रेट्स इनटू माल्टोज एंड माल्टोज एज अ डाइसेकेराइड. ओके, फिर उसके बाद प्रोटीन्स की तरफ अगर हम आ जाएं तो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने के लिए बिल्कुल उसी तरह जैसे स्टमक के पास पेप्सिन मौजूद था, यहां पे एक और एंजाइम मौजूद है, दैट इज ट्रिप्सिन. ओके, एंड काइमोट्रिप्सिन. लेकिन यहां पे अहम चीज ये है कि दीज एंजाइम्स दे आर आल्सो रिलीज्ड इन देयर इनएक्टिव फॉर्म्स. ये भी अपनी इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज किए जाते हैं जिनको बाद में एक्टिवेट किया जाता है. ओके, तो ये दोनों चीजें मैं यहां पे एक्सप्लेन कर रहा हूं. The enzymes that are released by the pancreas are trypsin and chymotrypsin. All right, students. लेकिन इनकी conversion किस तरह से है ये भी समझ लें. Trypsin is produced as trypsinogen and it is converted into trypsin with the help of another enzyme. That is released from the duodenal lining. Duodenum की वॉल में से एक और एंजाइम प्रोड्यूस किया जाता है और वो एंजाइम आके तो ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करेगा. एंड दैट इज एंटीरोकाइनेज. ऑलराइट, ऑल्सो नोन एज एंटीरोपेप्टिडेज. ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब ट्रिप्सिनोजेन ये भी चीज याद रख लें कि कोई भी ऐसा प्रिकर्सर मॉलिक्यूल जिसके साथ जेन का वर्ड मेंशन किया हुआ इसका मतलब है कि इट इज नॉट एन एक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम. इसको किसी और एंजाइम एक्टिविटी की मदद से बाद में एक्टिवेट किया जाएगा ताकि ये अपने एक्शन को प्रॉपरली परफॉर्म कर सके. ऑलराइट, तो याद रखें जहां पे ट्रिप्सिनोजेन पेप्सिनोजेन या उसके साथ ही साथ काइमोट्रिप्सिनोजेन की टर्म यूज हो जाए इसका मतलब यह है कि अभी ये इनएक्टिव फॉर्म में है. इसमें से कुछ मॉलिक्यूल्स को सेपरेट किया जाएगा या उनको वहां से इनसाइज किया जाएगा और फिर वो अपनी एक्टिव फॉर्म में चले जाएंगे. फिर स्टूडेंट्स इसी तरह जो दूसरा एंजाइम यहां पे हमने मेंशन किया दैट इज काइमोट्रिप्सिन. काइमोट्रिप्सिन इज एक्टिवेटेड, सॉरी, chymotrypsinogen is activated to chymotrypsin with the help of trypsin itself. All right students, ye baat yaad rakhiyega ki chymotrypsinogen jo ki inactive form hai isko iski active form mein leke jane ke liye pehle trypsin ka maujood hona zaruri hai. इसका मतलब यह है कि ट्रिप्सिनोजेन को इससे पहले ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करना ज्यादा अहम होगा. ऑलराइट, और फंक्शन क्या परफॉर्म कर रहे हैं यहां पे? दीज आर प्रोटीएजेस
तो इसका मतलब क्या है, दे विल ब्रेक डाउन प्रोटीन्स इनटू पेप्टोन्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स। ऑलराइट स्टूडेंट्स, एंड दिस फंक्शन इज परफॉर्मड बाय दीज टू एंजाइम्स, देयर आर ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन। सो ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन क्या कर रहे हैं, आपकी खुराक में जो प्रोटीन्स का हिस्सा जो कि स्टमक में से अनडाइजेस्टेड फॉर्म में यहां तक पहुंचा है, उन बड़ी प्रोटीन्स को तोड़ के मजीद छोटी छोटी चेन्स में कन्वर्ट करना शुरू कर देंगे। सो दिस इज अनदर फंक्शन ऑफ द पैंक्रियाटिक जूस। फिर इसके बाद स्टूडेंट्स थर्ड फूड कंपोनेंट की तरफ आ जाएं, दीज आर द फैट्स और लिपिड्स। ओके, अब फैट्स और लिपिड्स के लिहाज से बहुत आसान है एंजाइम का नाम याद रखने के लिए, एंड दैट इज लाइपेज। ऑलराइट, लाइपेज, अब इसका नाम देख के भी आप समझ जाएं कि एज है तो एंजाइम है और लिपिड्स को डाइजेस्ट करने के लिए इस्तेमाल होगा, सो दैट द बिगर फैट मॉलिक्यूल्स दे विल बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर फैट पार्टिकल्स। ओके, अब इसके लिए स्टूडेंट्स एक और टर्म आपके लिए यहां पे मेंशन कर रहा हूं मैं, देयर इज इमल्सिफिकेशन। ऑलराइट, इमल्सिफिकेशन असल में तो फंक्शन है बाइल जूस का। ओके, इसकी डिटेल अभी मैं अगले पार्ट में आपके लिए एक्सप्लेन करूंगा। यहां पे सिर्फ आप जो बात याद रखेंगे वो क्या है कि फॉर द डाइजेशन ऑफ फैट्स बाय द लाइपेज देयर शुड बी इमल्सिफाइड फैट्स, पहले से इमल्सिफाइड फैट्स होने चाहिए, एंड दीज फैट्स आर ब्रोकन डाउन इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल्स। ऑलराइट, and this function is catalyzed by lipases, and these lipases are water soluble. All right students, ye baat bahut ahem hai, yaad rakhiyega ki lipases water soluble enzymes hain, aur yahan pe kya kar rahe hain ki jo fats pehle se emulsify kiye ja chuke hain, yani ki bade globular structures mein se unko chote chote globular structures mein ya chylomicrons mein convert kiya ja chuka hai, इन स्ट्रक्चर्स के ऊपर लाइपेज अपना एक्शन परफॉर्म करेगा, और उस एक्शन परफॉर्म करने की वजह से इनको फर्दर इनके सब यूनिट्स में कन्वर्ट कर देगा, एंड दीज सब यूनिट्स आर फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल्स। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर इसके बाद इट इज द फोर्थ कंपोनेंट ऑफ द पैंक्रियाटिक जूस जिसको मैं यहां पर मैंशन करने लगा हूं, एंड दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट। अब आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि एंजाइमेटिक सिक्रीशंस की तो समझ आती है कि इन्होंने खुराक को हजम करना है, लेकिन सोडियम बाइकार्बोनेट तो कोई एंजाइम नहीं है, तो इसका यहाँ पे खुराक के हजम करने से क्या ताल्लुक है। लेकिन स्टूडेंट्स ये बात याद रखें कि एंजाइम्स कैन नॉट वर्क विदाउट देयर ऑप्टिमम कंडीशंस। ओके, जिसमें ऑप्टिमम पीएच होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये काम सोडियम बाइकार्बोनेट यहाँ पे परफॉर्म करेगा कि जब खुराक स्टमक में से निकल के स्मॉल इंटेस्टाइन में आ रही थी उस वक्त वो हाई एसिडिक थी, इसका मतलब है कि उसकी पीएच को थोड़ा सा कम करना बहुत ज्यादा जरूरी था ताकि उसकी तेजाबियत कम की जाए और उसको 5 और 6 तक लाया जा सके, ताकि ड्यूडेनम के जो अपने एंजाइम्स हैं वो अपनी अपनी ऑप्टिमम पीएच पे बेहतरीन कारकर्दगी परफॉर्म कर सके। ऑलराइट, तो यहां पर मैं एक पॉइंट मेंशन कर रहा हूं, it neutralizes the acidic medium of chyme, so the pancreatic enzymes can better work in digestion, or they can work better for digestion. All right students, अब ये वाला काम सोडियम बाइकार्बोनेट के अलावा कोई और सॉल्ट पैंक्रियाटिक जूस में ऐसा नहीं है जो परफॉर्म कर सके, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे सॉल्ट का होना बहुत ज्यादा जरूरी फैक्टर है। और ये है पैंक्रियाटिक जूस के अंदर जो जो एंजाइम्स और जो जो सिक्रीशंस मौजूद हैं, और ये क्या कर रहे हैं, डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड को उनके मजीद स्मॉलर फूड पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं,
ताकि इंटेस्टाइन के अगले हिस्सों में जाके इनको मजीद छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट भी किया जा सके और फिर इनको एब्जॉर्ब करने में भी आसानी हो सके। फिर इसके बाद स्टूडेंट्स, जो दूसरा एसेसरी ग्लैंड एसोसिएटेड है विद द डाइजेशन इनसाइड द ड्यूडेनम, दैट इज लिवर, और लिवर की सिक्रीशंस जाके इकट्ठी हो रही होती हैं इनसाइड द गॉल ब्लैडर, जिसे हम उर्दू में कहते हैं पित्ता। ओके, तो इनकी डिटेल्स हम नेक्स्ट बोर्ड पे देखना शुरू करते हैं। नाउ दिस इज अबाउट लिवर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब लिवर तक बात खत्म नहीं होगी, बल्कि इसके अगले कंपोनेंट्स भी मैं यहां पे मेंशन करने जा रहा हूं, फिर इनको वन बाय वन हम एक्सपेंड करना शुरू करेंगे। द फर्स्ट थिंग इज गॉल ब्लैडर, जिसको हम पित्ता कह रहे हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब गॉल ब्लैडर है क्या चीज? इट इज अ येलो green sac like structure that contains bile। okay, iske andar pitte ka pani maujood hai। all right, ab students ye jo yellow green sac like structure aapko yahan pe is image mein bhi nazar aa raha hai, इसके अंदर भी ग्रीन ही फ्लूइड मौजूद होता है और उस फ्लूइड का नाम है बाइल, और सिंपली उसको हम बाइल जूस भी कह देते हैं। ओके, अब ये बाइल बेसिकली क्या चीज है? मिक्सचर ऑफ वाटर, बाइल सॉल्ट्स एंड bile pigment that is generally known as bilirubin। all right students, ab ye hai bile, lekin jo sabse aham part hai is bile juice ka wo main bhi mention karne ja raha hu, aur aapko hairat hogi ye wali baat sun ke ki baaz auqat ye samjha jata hai ki bile ke paas bhi kuch aise enzymes maujood hain jo khuraak ko hazm karne mein madadgar honge, but bile contains no enzymes। all right students, digestive system ke andar ek part hum abhi tak dekh chuke hain, that is esophagus, jahan pe koi enzymatic secretion ya koi glandular secretion aisi nahi hai jo khuraak ko hazm kare। okay, lekin yahan pe bhi wahi baat dusre tarike se aa rahi hai ki gall bladder ke andar jo juice maujood hai, that is known as bile juice, इसके पास कोई एंजाइमेटिक सिक्रीशन मौजूद नहीं है, लेकिन इसके सॉल्ट्स इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि अगर ये नहीं होंगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर डाइजेशन ऑफ फैट्स दैट विल बी अफेक्टेड, वो मुतासिर होना शुरू हो जाएगी और फैट्स की डाइजेशन प्रॉपर तरीके से नहीं की जा सकेगी। ऑलराइट, फिर इसके बाद स्टूडेंट्स एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, दैट इज अबाउट द बाइल पिगमेंट। ओके, जिसको हमने अभी कहा है बिलिरुबिन। अब बिलिरुबिन प्रोड्यूस कहां से हो रहा है, इसको भी थोड़ा सा आपको प्रीवियस प्रीव्यू होना चाहिए कि आपके जब रेड ब्लड सेल्स पुराने हो जाते हैं और जैसे जैसे उनका डेथ का टाइम करीब आता है तो वो रिसाइकलिंग के लिए लिवर में ले आए जाते हैं। अब लिवर के अंदर क्या किया जाता है, उनके तमाम कंपोनेंट्स को अलहदा अलहदा कर दिया जाता है, हीम ग्रुप सेपरेट हो जाएगा, प्रोटीन्स सेपरेट हो जाएंगी, और इसी तरह इसमें से बाकी जो कंपोनेंट्स लाइक आयरन उनको अलहदा कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे जो वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज द बाइल पिगमेंट एंड इट इज बिलिरुबिन, इसको लिवर में से निकाल के गॉल ब्लैडर में भेज दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत अहम बात है कि जिसका ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि जब हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में गड़बड़ होगी, स्पेशली जब बॉडी पहले ही ओबेसिटी की तरफ जा रही है और ज्यादा फैट इनटेक चल रहा है बॉडी के अंदर, तो उस सूरत में स्टूडेंट्स क्या होता है कि ये जो बिलिरुबिन है ये बजाय इसके कि इंटेस्टाइन में जाए, ये क्या करता है कि आहिस्ता आहिस्ता ब्लड में जाना शुरू हो जाता है। अब जैसे ही ये बाइल पिगमेंट ब्लड में जाएगा तो इसको बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। अब इसके अपने कलर की वजह से हर बॉडी के ऑर्गन में ये इंपैक्ट आना शुरू हो जाता है कि पेल येलोइश अपीयरेंस नजर आना शुरू हो जाए, और जब आंखों में, स्किन के ऊपर, चेहरे के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता पीला रंग आना शुरू हो जाता है तो उस सूरत में यह समझा जाता है कि दिस इज द सिम्पटम ऑफ जॉइंटिस, यरकान हो चुका हुआ है। ऑलराइट स्टूडेंट्स,
तो इस लिहाज से दिस बिलिरुबिन इज रियली सिग्निफिकेंट कि इसको फौरी तौर पर प्रोडक्शन के बाद कहां पे भेज देना चाहिए, इन टू द इंटेस्टाइन, ताकि वहां से ये आउट गोइंग अनडाइजेस्टेड फूड के साथ बॉडी से बाहर चला जाए। और फिर इसके साथ ही एक और बात कि जो अनडाइजेस्टेड फूड जिसको हम फीसेस या स्टूल कहते हैं, ये जो फुजला बॉडी से खारिज हो रहा होता है स्टूडेंट्स, इसका ये जो येलोइश कलर है दैट इज ऑल्सो ड्यू टू द बिलिरुबिन, ये भी बाइल पिगमेंट के कलर की वजह से इसका रंग ऐसा नजर आ रहा होता है। ऑलराइट, फिर इसके बाद वापस चल रहे हैं हम अपने बाइल सॉल्ट्स की सिग्निफिकेंस की तरफ, कि बाइल सॉल्ट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, एंड दैट इज इमल्सिफिकेशन। ऑलराइट, अब स्टूडेंट्स ये इमल्सिफिकेशन क्या चीज है? दिस इज बेसिकली कन्वर्जन ऑफ बिगर फैट ड्रॉपलेट्स इनटू द स्मॉलर फैट ड्रॉपलेट्स। ओके, ये चीज मैं यहां पे एक इक्वेशन की फॉर्म में मेंशन कर रहा हूं, इसको नोट कर लें, बिगर फैट मॉलिक्यूल्स टू स्मॉलर फैट ड्रॉपलेट्स। ओके, स्पेसिफिकली इसके लिए एक और टर्म यूज होती है, दैट इज नोन एज माइसेल। ओके, अब ये माइसेल क्यों बनाए जा रहे हैं, ये फौरन सवाल आपके जेहन में आना चाहिए कि फैट्स पहले ही बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, फिर उनको छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट किया जा रहा है, और अभी जैसे ये छोटे पार्टिकल्स की फॉर्म में कन्वर्ट होंगे, इसके लिए स्टूडेंट्स असल में तैयारी हो रही है कि लाइपेज अपना एक्शन ज्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सके। ऑलराइट, ये काम किस तरह से किया गया कि जो बड़े फैट पार्टिकल्स थे उनके ऊपर एक लेयर, एक कोट बना दिया आके बाइल सॉल्ट्स ने, और फिर उनको मजीद छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर दिया। ये जो छोटे छोटे जर्रात बनेंगे इनको हम फैट ड्रॉपलेट्स, स्मॉलर फैट ड्रॉपलेट्स या माइसेल्स का नाम दे रहे हैं। इन माइसेल्स के ऊपर ज्यादा सरफेस एरिया अवेलेबल होगा ताकि लाइपेज अपना काम यहाँ पे परफॉर्म करे, और फिर उसके बाद क्या किया जाएगा, दीज स्मॉलर लिपिड ड्रॉपलेट्स they will be transformed into triglycerides, all right, and fatty acids, all right students। aur ye wali conversion kiski presence mein ho rahi hai, in the presence of lipase। okay, lipase jo enzyme hai ye kahan se produce kiya gaya, from the pancreatic juice, pancreas ke exocrine cells ने ये produce किया, और फिर यहाँ पे आके ये अपना action perform करना शुरू हो गया। Alright, अब यहाँ पे एक और अहम बात मैं mention कर दूँ, जो पहले jaundice वाली बात students मैंने mention की है, वो हम यहाँ पे mention भी कर लेते हैं, that is about jaundice yerkan। Okay, इसके लिए statement mention कर रहा हूँ मैं, if the bile pigments are prevented to leave through intestinal tract, they will move into blood and transported to different parts of body, and this condition will be known as jaundice। yani ke aankhon ke andar, nakhunon ke upar, skin ke upar pale yellowish appearance nazar aana shuru ho jaye, peela padna shuru ho jaye insaan, हम कहते हैं दिस इज द सिम्टम ऑफ द जॉन्डिस। लेकिन इसके साथ स्टूडेंट्स एक और प्रॉब्लम यहां पे पैदा हो सकती है, एंड दैट इज नोन एज गॉल स्टोन्स, पित्ते की पत्थरियां जिसको हम कहते हैं। ऑलराइट, ये भी एक बड़ी डिफरेंट किस्म की कंडीशन में नजर आता है, और ये क्या है स्टूडेंट्स के बाज़ औक़ात लिवर के अंदर कोलेस्ट्रॉल की कन्वर्जन भी चल रही होती है। अब क्या होता है कि जो बाइल सॉल्ट पहले से गॉल ब्लैडर के अंदर मौजूद है, कोलेस्ट्रॉल को भी अगर प्रॉपरली मेटाबोलाइज ना किया जाए और वो आके उन सॉल्ट्स के साथ मिक्सअप होना शुरू हो जाए, और उस सूरत में बैड कोलेस्ट्रॉल जब सॉल्ट्स के साथ कंबाइन करता है तो
तो उस सूरत में स्टूडेंट्स छोटे छोटे स्टोन्स बनना शुरू हो जाते हैं, जिनको हम कहते हैं गाल स्टोन्स, पित्ते की पथरियां बनना शुरू हो गई हैं। अब इन पथरियों का नुकसान क्या होता है कि वो बाइल जूस जो पित्ते में से निकल के स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचना था, ये आहिस्ता आहिस्ता इसकी सिक्रीशन इनहिबिट होना शुरू हो जाएगी, ऑब्स्ट्रक्ट कर दी जाएगी, दरमियान में रुकावट पैदा हो जाएगी। इस सूरत में क्या होगा कि बाइल जूस वक्त पे स्मॉल इंटेस्टाइन तक नहीं पहुंच सकेगा, जिसकी वजह से फिर आहिस्ता आहिस्ता डाइजेस्टिव प्रोसेसेस भी खराब होना शुरू हो जाएंगे। ऑलराइट, सो इट इज अ डिसऑर्डर, और फिर बाद में इन स्टोन्स को सर्जिकली या रेडिएशन के थ्रू रिमूव किया जा सकता है। ओके, फिर इसके बाद स्टूडेंट्स एक और फंक्शन लिवर का, दैट इज नोन एज डिटॉक्सिफिकेशन। ऑलराइट, लिवर बाइल जूस बना रहा था, गाल ब्लैडर में स्टोर किया, और फिर उस गाल ब्लैडर के अंदर से बाइल सॉल्ट्स और बाकी चीजें रिलीज हुई, उन्होंने फैट्स को इमल्सिफाई करने में हेल्प आउट किया, और फिर इसके बाद एक और फंक्शन मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, दैट इज द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है लिवर का। स्टूडेंट्स बाज़ुकात कुछ ऐसी चीजें हम इनटेक कर रहे होते हैं जिसका हमारी बॉडी के ऊपर बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ड्रग्स का मिस यूज वगैरह किया जाए, कि वो अद्वियात जो हमारी बॉडी की जरूरत से ज्यादा है उनका इनटेक चल रहा है मुसलसल, या फिर इसी तरह कुछ ऐसे फल और सब्जियां कि जिनके अंदर, उनके पील में, उनके बाहर वाले छिलके के अंदर पेस्टिसाइड्स वगैरह मौजूद थी और वो हमने ऐसे ही इनटेक कर लिए, या फिर इसी तरह बहुत ज्यादा जंक फूड और फैट्स के साथ जो एडिटिव्स शामिल होते हैं कि जो उसके जायके और खुशबू के तौर पे मस्नूई चीजें शामिल की जा रही होती हैं, ये सब चीजें हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह हैं। तो इनको डिटॉक्सिफाई करना यानी इनका जहरीलापन खत्म करना बहुत ज्यादा जरूरी अमल है, और ये फंक्शन कौन परफॉर्म कर रहा होता है, देयर इज द लिवर। इसके लिए एक मैं स्टेटमेंट यहां पे मेंशन करने जा रहा हूं, देयर इज लिवर convert toxic substances to less toxic substances. All right? इसके लिए example students याद रखिएगा, ammonia बहुत ज्यादा जहरीला साबित हो सकता है अगर ज्यादा देर के लिए हमारी body में रुका रहे। It is converted to urea. और ये यूरिया साइकिल का एक प्रोसेस परफॉर्म किया जा रहा होता है इनसाइड द लिवर। अगर ये काम ना हो तो अमोनिया हमारे ऑर्गन्स को मुतासिर करना शुरू हो जाए। फिर इसी तरह स्टूडेंट्स, ये जो अमीनो एसिड्स हमारी बॉडी के अंदर मौजूद हैं, बाज़ औक़ात इनको ज्यादा देर के लिए स्टोर नहीं किया जा सकता, तो वहां पर भी एक प्रोसेस किया जा रहा होता है टू रिमूव द अमीनो ग्रुप फ्रॉम द अमीनो एसिड्स, एंड दैट इज नोन एज डीएमिनेशन। ओके, इस प्रोसेस में जो अमोनिया से यूरिया में कन्वर्जन हुई, यूरिया से फिर यूरिन बना दिया जाता है और वो पेशाब की सूरत में बॉडी से बाहर खारिज कर दिया जाता है। ऑलराइट, तो इस सूरत में लिवर हमारी बॉडी को टॉक्सिफाई होने से यानी जहर फैलने से बचा रहा होता है। तो जिगर की बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है, इसलिए स्टूडेंट्स आमतौर पे उन खुराक या उन टाइप्स ऑफ फूड की तरफ आप कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा जाए, कि जिसकी वजह से लिवर आपका फ्रेश रहेगा। लिवर ज्यादा फ्रेश रहेगा तो इसका मतलब यह है कि ओवरऑल बॉडी फंक्शंस ज्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म किए जा सकते हैं। फिर इसके साथ ही आखिरी बात यहाँ पे मैं करता चलूं कि स्टूडेंट्स बाज़ औक़ात हम अपनी खुराक में बहुत सारी ऐसी चीजें शामिल कर रहे होते हैं कि जिनका बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है हमारी अपनी बॉडी के ऊपर। ओके, फॉर एग्जाम्पल हमारे मुल्क में तो इस तरह की कुछ चीजें बैन है, लेकिन इंटरनेशनली अगर हम देखें तो हमें नजर आता है कि अल्कोहल इनटेक बहुत ज्यादा आम सी एक आदत बना ली जाती है। अब इस अल्कोहल इनटेक की वजह से स्टूडेंट्स देखने में आया है कि लिवर इन्फ्लेम करना शुरू हो जाता है, जिगर की सोजिश होना शुरू हो जाती है, जबकि ये तो इतना ज्यादा सेंसिटिव ऑर्गन है कि कहने के लिहाज से इट इज द सेकेंड बिगेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, लेकिन उसके साथ ही साथ उतना ही ज्यादा सेंसिटिव भी है कि बाज़ औक़ात अगर आप दूसरे जानवरों यानी बकरे और मुर्गी वगैरह की कलेजी देखें, उसमें नाखून चुभोएं तो वो फौरी तौर पे अलहदा होना शुरू हो जाता है। उसको हम कहते हैं लेसरेशन और रप्चरिंग। ओके, अब ये लेसरेशन और रप्चरिंग का अमल हमें इस बात का पता बताता है कि लिवर इज वेरी सेंसिटिव ऑर्गन। ऑलराइट, फिर इसके साथ ही साथ बाज़ औक़ात ये भी देखा जाता है कि अगर हार्ट, दिल जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा, तो उसकी वजह से भी लिवर का साइज बड़ा होना शुरू हो जाता है, और ये अपने नॉर्मल साइज के नस्बत बड़ा हो जाए
तो उसकी वजह से ये जो विसरा, जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, इनके इफेक्ट, इनके अमल के ऊपर भी इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। फिर इसी तरह स्टूडेंट्स, अगर खुदा ना खास्ता किसी का एक्सीडेंट हो जाए और पसली के ऊपर कोई चोट लगे, तो पसली खुब जाती है फौरी तौर पर अंदर की जानिब, तो यहाँ पे भी सामने आपका लिवर मौजूद है, वो डैमेज हो सकता है और इंटरनल ब्लीडिंग बाकी टिश्यूज को और पूरी बॉडी को मुतासर कर सकती है। ऑलराइट, यहीं पे स्टूडेंट्स हम इसको खत्म करते हैं। कहने के लिहाज से डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट हमारा एक ऐसा सिस्टम है कि जिसके लिए हम जितनी भी ज्यादा केयर करें उतनी ही कम है। लेकिन सॉफ्ट ड्रिंक्स भी चलती रहती हैं, एडिटिव्स वाली खुराक भी चलती रहती है और बहुत ज्यादा जंक फूड भी चलता रहता है, जिसकी वजह से लिवर के ऊपर और डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर मुसलसल प्रेशर है। इस प्रेशर को रिड्यूस करें, खुद भी सेहतमंद रहें और दूसरों को भी इसकी ताकीद करें। इस सेशन को यहीं पे खत्म करें, फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात।